चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज़। और सबसे पहले जो न्यूज़ दोस्तों वो शाओमी की तरफ से रही, शाओमी की रेडमी नोट 9 सीरीज। ये जो सीरीज है कल चाइना के अंदर लॉन्च हुई और बहुत ही बढ़िया प्राइस पे लॉन्च हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीरीज के रेडमी 9 प्रो ये जो फ़ोन है इसकी सेल लगी थी पहली बार, और ऑनलाइन सेल में ये जो यूनिट है 60,000 यूनिट प्री बुक हो चुके हैं। JD.com के ऊपर इसका सेल लगा था जिसके अंदर 60,000 यूनिट्स बुक हो चुके हैं, और एक दिन में मतलब पहले ही दिन में 1,00,000 यूनिट जो है वो सोल्ड हो चुके हैं ओवरऑल। मतलब शाओमी की साइट देखते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में प्री बुकिंग के ऑर्डर देखते हैं तो 1,00,000 ऑर्डर आ चुके हैं इस फोन के। बहुत ही क्रेजी। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या इंडिया में भी ये जो फोन है अंडर 20,000 अगर लॉन्च होता है तो इसी तरह का रिस्पॉन्स रहता है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लग रहा है इस फोन के बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A32 एक चीपेस्ट 5G फोन सैमसंग की तरफ से इसके रेंडर जो है वो लीक हो चुके हैं और कुछ अलग ही रेंडर्स दिख रहे हैं। मतलब सैमसंग के जो नॉर्मली फोन्स होते हैं कैमरा सेटअप जैसे रहता है वैसे नहीं दिखाई दे रहा, कुछ अलग ही सेटअप दिखाई दे रहे हैं और एक फ्लैशलाइट ऐड किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस लिए ऐड किया है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो मॉनिटर्स आए इसके ऊपर से तो ये पता चल रहा है कि इस फोन में 3.5mm जैक रहने वाला है, और बाकी क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं इस फोन के अंदर ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा, और इस फोन की प्राइस क्या रहती है ये भी देखना सबसे इंटरेस्टिंग। अगली जो न्यूज है वो भी शाओमी की तरफ से रही, शाओमी की रेडमी K40 सीरीज। ये जो सीरीज है बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है क्योंकि इस सीरीज का एक फोन जो है मतलब कोड नेम से लग रहा है कि ये शायद K40 फोन होगा। ये जो है ECC सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ही जल्द शाओमी की तरफ से हमें रेडमी K40 सीरीज भी देखने को मिल सकती है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इस सीरीज के स्पेसिफिकेशन क्या रहते हैं और ये सीरीज जो है इंडिया के अंदर आती है या फिर नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग हो। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो वीवो की तरफ से रही, वीवो V20 प्रो। फाइनली वीवो ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया ये जो फोन है 2nd December को आने वाला है। और अगले लॉन्चेस की बात करें तो टेक्नो की तरफ से एक पोवा नाम से एक फोन आने वाला है जो कि 4th December को लॉन्च होने वाला है। ये जो फोन है ग्लोबली 10,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, तो इंडिया के अंदर भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अंडर 10,000 लॉन्च होता है या फिर नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों इसके अंदर मीडिया टेक का हिलियो G85 प्रोसेसर आता है, इतना बढ़िया गेमिंग वाला प्रोसेसर आता है, फिर भी इस फोन की प्राइस अगर अंडर 10,000 रहती है तो ये सबसे बढ़िया अंडर 10,000 गेमिंग फोन हो सकता है। वैसे क्या आप टेक्नोकॉल फोन लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जानी दोस्तों वो ओप्पो की तरफ से आ रही, ओप्पो की तरफ से आने वाली ओप्पो रेनो 5 सीरीज। ये रेनो सीरीज जो होती है ये प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल की सीरीज होती है जिसके अंदर कैमरास जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये जो सीरीज है इसके अंदर 3 फोन्स आने वाले हैं और ये तीनों जो फोन्स होने वाले हैं ये अलग अलग प्रोसेसर पर बेस्ड होने वाले हैं। लेकिन आज इस फोन के कुछ लाइव इमेजेस निकल के आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ दिखने वाला है ओप्पो रेनो 5 सीरीज का फोन। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो सीरीज है इंडिया के अंदर कब तक आती है। अगर रिसेंटली लीक्स की माने तो शायद दिसंबर के अंदर ही ये सीरीज जो है हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीरीज के कुछ फोन्स क्वालकॉम के प्रोसेसर पे आते हैं तो शायद वो फोन जो है वो हमें दिसंबर के अंदर ही इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो भी शाओमी की तरफ से रही, शाओमी की रेडमी नोट 9 सीरीज का नोट 9 4G। ये जो फोन है इसका जो कोड नेम है सेम कोड नेम वाला फोन जो है वो ECC सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये जो फोन है शायद ग्लोबली भी लॉन्च हो सकता है और शायद ये पोको M3 प्रो इस नाम से भी आ सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा शाओमी की तरफ से ये जो फोन है ये कौन से नाम से आता है। और पोको M3 नाम से इसलिए आ सकता है दोस्तों क्योंकि पोको M3 की तरफ आप देखते हैं तो इस फोन में आता है आपको 5000mAh की बैटरी बैकअप का सपोर्ट और इस फोन में 6000mAh की बैटरी बैकअप का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो शायद Redmi Note 4G जो है वो रीब्रांडेड होकर पोको M3 प्रो इस नाम से भी आ सकता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में पोको M3 के नाम से आता है या फिर Redmi Note 9 4G के नाम से आता है और इंडिया के अंदर ये फोन लॉन्च होता है या फिर नहीं ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो PUBG मोबाइल इंडिया की तरफ से आ रही, PUBG जो है वो वापस इंडिया के अंदर आने वाला था ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी। लेकिन आज जो है कुछ कन्फर्मेशन आया, जैसे कि कुछ ट्वीट निकल के आए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि PUBG मोबाइल इंडिया की टेस्टिंग जो है वो ऑलरेडी चालू है, कुछ यूजर से मतलब जो गेमर से स्ट्रीमर से उनकी तरफ से ये जो टेस्टिंग है ये ऑलरेडी चालू है। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये गेम को स्ट्रीम करना चालू कर देंगे एक दिन पहले ही। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में ऐसे होता है या फिर नहीं और PUBG इंडिया जो है वो वापस आता है या फिर नहीं ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे फौजी कहाँ पर है, 26 नवंबर को ये गेम आने वाला था ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी, लेकिन 26 नवंबर तो हो गया लेकिन फिर भी ये गेम लॉन्च नहीं हुआ। वैसे आपको कुछ पता है इस गेम के बारे में, कुछ भी आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टेक न्यूज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।